शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। दिखाई नहीं देता, राक्षस इंसान इंसान नहीं है। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें क्या सिखाया हा? क्या सिखाया? राजल, क्या सिखाया? अड़िए क्या क्यों बेड़ा लगा कि अड़िए क्या है? क्या हो रहा है? अरे छोड़िए आप, छोड़िए आप, छोड़िए, ये काम आपका नहीं, हमारा है। अरे पुलिस रमाकांत साहब के बेटे क्या बिगाड़ेगी? अच्छा ये रमाकांत साहब, अरे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है ये। जिसने माँ को ही नहीं देखा और उसकी कदर क्या जाने भैया। अमीरों को पैसा कमाना तो आता है, औलाद पालनी नहीं आती। बिल्कुल सही है। आज तुम्हारी वजह से मुझे उस दो कौड़ी के इंस्पेक्टर के सामने झुकना पड़ा। तुम्हें जरा फिक्र नहीं कि इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी एम्पायर का इकलौता वारिस कुछ नहीं करता सिवाय आवारागर्दी के। तुम ये शायद भूल सकते हो कि तुम रमाकांत सहाय के बेटे हो, मगर ये शहर नहीं भूल सकता। मैंने तो आपसे आपका नाम, आपका बंगला, आपकी दौलत, ये सब तो नहीं मांगा था ना। बिना मांगे मिला है ना तुम्हें, इसलिए तुम नाशुक्र हो, एहसान फरामोश हो। वरना तुम भी लाखों लोग की तरह किसी गंदी नाली में पड़े रहते, किसी कचरे के ढेर के नीचे दबे होते। लेकिन इससे कहीं बेहतर होता, कम से कम आपके नाम के बोझ तले तो नहीं दबा रहता। क्या बकते हो? सुनते हैं आप लेकिन समझते नहीं है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक घटना है, एक हादसा है कि मैं आपका बेटा हूं और आप मेरे बाप है। रुकना भैया, हम अभी आते हैं। अच्छा सर। साहब फूल ले लो ना, साहब ले लो ना फूल। ये लो बेटी। अच्छा पंडित जी नमस्कार। चलो भैया चलो। आपके फूल हमारे नहीं है। अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें भाभी जी, जायदाद तो फिर काजल के नाम चली गई है। अब वो लाख सर पटक ले, एक कौड़ी उसके हाथ नहीं जाने दूंगा। और अगर उसने कोई चाल चलने की कोशिश की तो कानून जंजीर बनके उसका गला घोट देगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन अगर उसके कानों को हमारे यहाँ होने की भनक पड़ गई तो? अरे भाभी जी, इस बात की आप बिल्कुल चिंता न करें। आओ बेटी, यहाँ रख। अरे बस बस, जीती रहो। तेरी की तो है राजा, तेरी जान। क्या हुआ राजा? राजा का बच गया बाजा। क्या बाजा? क्या बाजा? क्या बाजा?
मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है, आखिर कौन सी कयामत आ गई है। जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो अकेला रहने को जी करता है, और जब अकेला होता तो तुम्हारी तरफ भागता आता हूँ मैं। राजा तू तो ऐसा नहीं था यार मेरे, वो राजा किधर गया? अरे मर गया वो राजा, उतना आया हूँ मैं उसे खुद इन हाथों से अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है मैंने। जानते हो हर वक्त उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने उभरती है, और मैं तस्वीर से हर वक्त कहता हूँ कि जा चली जा यहाँ से, पीछा मत कर मेरा, लेकिन हर बार उसका चेहरा ऐसे उभरता है मेरे सामने जैसे बादलों में से चांद निकल आया। अरे यार तुम लोग तो मेरे दोस्त हो ना, तुम बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तुझे इश्क हो गया है, अब तो अपनी जिंदगी को खुदा हाफिज कर डाल। इश्क हो गया है मुझे? मोहब्बत हो गई है मुझे? राजा को मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत हो गई है मुझे, 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 मोहब्बत हो गई है मुझे। नहीं राजा नहीं, अगर इतनी ही बेचैनी है उठा लेंगे उसे, तू फिक्र मत कर मेरे यार, कल होली है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तू फिक्र मत कर। नहीं मैं बेबस हो गया हूँ, छोड़ो हमारा रास्ता, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते। मगर किसी को प्यार करने से तो रोक नहीं सकते, क्या करूं बोलो, क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए, जान दे दो अपनी जान दे दो। हमने ऐसा तो नहीं कहा, बख्शने का शुक्रिया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। से कहना चाहता हूं उसके लिए इससे पवित्र स्थान और कोई नहीं हो सकता। मैं देवी देवताओं को हाजिर नजर मानकर कहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहती हूं छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। क्या चाहते हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, आखिर क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? सुन सकोगे, हिम्मत है? मेरा ख्याल छोड़ दो, मेरा एक अतीत है, एक माजी है, किसी की विधवा हूं मैं।